सब लोग को नमस्कार। ये वीडियो में हम लोग क्या देखने के लिए जाता है, स्कैफोल्डिंग ड्राइंग कैसे करना है। ओके, कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, कैन यू ड्रा स्कैफोल्डिंग विथ इट्स कॉम्पोनेंट्स लाइक दैट। सो हम लोग को ये मालूम होगा तो अच्छा लगता है। ओके, स्कैफोल्डिंग हम लोग हाथ से बना सकते, ड्रा कर सकता है। ओके, अगर आप लोग ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करता है, ऐसा आप लोग भी 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर देगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा कैसे स्कैफोल्डिंग ड्रा करना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, 6 लाइन डालना है। ओके, 6 लाइन, अभी मैं 3 लाइन लगा डाला हुआ है, बना हुआ है, बीच में से और 3 लाइन बनाना है। ओके, दोनों को बीच में, सेम इधर भी, और एक लाइन इधर। ओके, अभी हम लोग 6 लाइन बना हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका फोल्डिंग में स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड और वर्टिकल पोस्ट। ओके, ये वर्टिकल पाइपलाइन है, हम लोग इसको स्टैंडर्ड बोलता है। स्कैफोल्डिंग पाइप है, वर्टिकल स्कैफोल्डिंग पाइप को क्या नाम है, स्टैंडर्ड और वर्टिकल पोस्ट। ओके, उसके बाद में हम लोग क्या बनाना है, क्या ड्रा करना है, फेस प्लेट। ओके, फेस प्लेट, फेस प्लेट को क्या डायमेंशन होता है, नॉर्मली 150 mm से 150 mm मिनिमम विड्थ एंड लेंथ चाहिए। ओके, वो स्क्वायर में होता है वो फेस प्लेट, उसका डायमेंशन 150 × 150 mm है। ओके, ये क्या है, फेस प्लेट। ओके, उसके बाद क्या करना है, सोल बोर्ड, सोल बोर्ड, सोल बोर्ड चाहिए। इसका नाम क्या, सोल बोर्ड। और सिल, दो नाम है, सिल और सोल बोर्ड। ओके, ओके, इसके बाद हम लोग क्या करने के लिए जाना है, किकर लिफ्ट बनाना पड़ेगा। किकर लिफ्ट क्या होता है, ये पेस है ना, पेस प्लेट से 150 mm, 150 mm बोलेगा तो 6 इंच हाफ फीट हाइट में फेस प्लेट होना चाहिए। ओके, ओके, 150 mm हाइट से हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, किकर लिफ्ट बनाना पड़ेगा, किकर लिफ्ट।
ये थोड़ा ज्यादा आ गया। ये किकर लिप बोलता है, किकर लिप। पहले स्टैंडर्ड, उसके बाद फेस प्लेट, उसके बाद सोल बोर्ड, ये किकर लिफ्ट है। लेकिन सबसे पहले स्कैफोल्डिंग बनाने का टाइम में सोल बोर्ड रखेगा, फेस प्लेट रखेगा, उसके बाद स्टैंडर्ड रखेगा, फिर ये बनाएगा। लेकिन हम लोग ट्राइंग करने के लिए इसी होता है, इसलिए ये प्रोसीजर फॉलो करता है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग सेम इधर की कर लिफ्ट के लिए एक बॉक्स बनाया, सेम इधर भी बनाना है। लेकिन इधर एक बीच में वो, अरे भाई ये हम लोग का फेस में ये लंबा एक पाइप होता है ना, ये लंबा पाइप का नाम क्या है, लेजर है। और रनर, ये लंबा पाइप का, हॉरिजॉन्टल पाइप का नाम क्या है, लेजर और रनर है। ये साइड में एक पाइप जाता है, उसका नाम ट्रांसोम और बैरर। फिर इसमें ये बहुत लंबा है तो इसमें बीच में एक एक पाइप डालता है, उसको इंटरमीडिएट ट्रांसोम बोलता है। ये लंबा का एक पाइप बीच में जाता है, बीच में अगर आपको हम लोग को चाहिए तो ये डालना पड़ेगा, उसको बोलता है इंटरमीडिएट लेजर। इसमें बीच में क्लैम्प आता है, वो क्लैम्प। अगर वर्टिकल पाइप, वर्टिकल पाइप और ऐसा हॉरिजॉन्टल पाइप को कनेक्शन करने के लिए कौन सा क्लैंप यूज़ करता है, फिक्सेड क्लैंप और राइट एंगल क्लैंप। क्लैंप को अपन नाम है कपलर है, फिक्सेड कपलर और राइट एंगल कपलर यूज़ करता है। बहुत टाइप का कपलर होता है, वो सेपरेट एक वीडियो में डालेगा आपको। फिर इसके बाद क्या करना है, अभी दो स्टेप हो गया, तीन स्टेप, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का इसमें हम लोग पूरा स्कैफोल्ड ब्लैंक्स डाल के फिल करना चाहिए, स्कैफोल्ड ब्लैंक्स, उसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलता है, स्कैफोल्डिंग जाली भी बोलता है। स्कैफोल्डिंग का पट्टा भी बोलता है, वो हिंदी में हर हर वर्ड बोलता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड नेम है स्कैफोल्ड ब्लैंक्स है। उसके बाद क्या करना है, क्या हम लोग बनाएगा, टो बोर्ड बनाएगा। टो बोर्ड,
इसका नाम क्या? ड्रॉ बोर्ड। ओके, उसके बाद नेट ड्रिल। ओके, इसका नाम क्या? नेट ट्रेल। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म से स्कैफोल्ड ब्लैंक से इसका हाइट क्या मिनिमम होना है? 550 to 600 mm हाइट होना चाहिए। ओके, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद क्या होता है लास्ट स्टेप? हैंड्रेल। हैंड्रेल नाम किया हैंड रेल। अभी इसका हाइट कितना होना चाहिए? हैंड रेल का हाइट ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म से 1000 to 1100 mm होना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या आता है? प्रेसिंग आता है। प्रेसिंग का नाम क्या बोलता है? लॉन्गिट्यूडिनल प्रेसिंग। लॉन्गिट्यूडिनल प्रेसिंग। ओके, ये साइड में डालना पड़ेगा ना, ये सेम प्रेसिंग। इधर ये सामने वाला लगा डाला, उसके बाद पीछे भी आ रही है कहता है, अगर वो डालेगा तो ये बैक साइड में। ऐसा आता है। ओके, एक्स अगर ये इधर से डालेगा वो उधर से चोरू होना है, एक्स देखना चाहिए। सेम इधर भी अगर ये इधर से तो इधर से। इसको क्या बोलता है? ट्रांसवर्स और फैकेट प्रेसिंग। ट्रांसवर्स प्रेसिंग और फैकेट बोलता है। ओके, अभी ये इंक्लाइंड में आता है ना, अगर ये पाइप को देखेगा तो ये ऐसा इंक्लाइंड में जाता है। ऐसा इंक्लाइंड में जाने वाला पाइप को कनेक्शन करने के लिए हम लोग को कौन सा कपलर यूज़ करना है? स्वाइवल कपलर यूज़ करना पड़ेगा। स्वाइवल भी बोलता है, रोलिंग भी बोलता है। ओके, स्वाइवल कपलर यूज़ करेगा तो वो 180 डिग्री रोलिंग होगा, हम लोग ये इधर कपलिंग के लिए ईजी हो जाता है। ओके, अगर इसको अभी सीडी लगाना है तो सीडी कैसे लगाएगा? इधर उसको क्या बोलता है? फॉल्स अपराइट। ओके, मेरा पास वाइटनर नहीं है, अगर वाइटनर है तो ये निकालना पड़ेगा। ओके, ये इतना भी है, ये भी है, इधर का स्कैफोल्ड सॉरी इधर का टोबोर्ड भी है, लेकिन ये एरिया में खाली होता है क्योंकि लैडर लगाना पड़ेगा। अगर बाहर से लैडर लगाना है तो इधर एक्सटेंड करेगा लैडर को, ऐसा क्रॉस में लगाएगा।
ओके, ये लैडर है। ये लैडर रखने के लिए क्या रूल है? ये अपना लैंडिंग प्लेटफॉर्म से ये लैडर 1 मीटर, 1 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। ये लैडर को लंबा है ना, हम लोग का स्कैफोल्ड ब्लैंक प्लेटफॉर्म से 1 मीटर लंबा रखना पड़ेगा। फिर ये लैडर को 75 डिग्री एंगल में होना चाहिए। 75 डिग्री एंगल वो कैसे मेशर करता है? हम लोग तो 75 डिग्री कैसे मेशर करेगा, वो मेशर करने के लिए ज़रूरत नहीं। ये हाइट अगर 4 मीटर हाइट है तो ये देखिए, इधर से लेके इधर तक 4 मीटर हाइट है तो ये है ना, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए। ओके, अगर ये इधर से ये हाइट 4 मीटर है तो इधर से इधर लैडर हम लोग का स्टैंडर्ड से लैडर तक 1 मीटर दूर में रखना चाहिए। अगर ऐसा रखेगा हम लोग का इधर 75 डिग्री एंगल आ जाता है। यही प्रोसीजर है लैडर रखने के लिए। ओके, अगर लैडर का नीचे मट्टी है तो उसमें भी स्कफो सोल बोर्ड और स्कफोल्ड ब्लैंक का छोटा पीस डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर चढ़ने का टाइम कभी भी ये मट्टी में कुछ जा सकता है अगर लोड से, इसलिए इधर एक स्कफोल्ड ब्लैंक्स और सोल बोर्ड, छोटा सोल बोर्ड इधर डालना ही पड़ेगा। ओके, अभी देख रहा है यार कुछ मिस हुआ कि नहीं। फिर ये इधर इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्म डालता है ना, ये इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम 1.2 मीटर होना चाहिए स्कैफोल्डिंग बोर्ड डालने का जगह पर। ये इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्म का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.2 मीटर तक अलाउड है। फिर कभी भी ये ट्रांसफॉर्म का ऊपर ही हम लोग स्कैफोल्ड ब्लैंक्स रख सकता है, लेजर का ऊपर नहीं रख सकता है। अगर हर जगह पर हम लोग ट्रांसफॉर्म का ऊपर ब्लैंक्स नहीं डाल सकता है, वो लोकेशन पर ट्रांसफॉर्म में डाल सकता है, लेकिन सारे वो जगह पर लेजर में डाल सकता है, लेकिन लेजर का नीचे ट्रांसफॉर्म का पाइप होना चाहिए। अगर सोचिए, इधर से भी पाइप आता है, इधर से भी पाइप आता है, पहले ये पाइप डालेगा तो इन्हें नीचे हो जाएगा, क्लैम्प डालेगा उसका ऊपर, ये डालेगा तो इसका ऊपर ट्रांसफॉर्म का क्लैम्प हो जाएगा, मतलब लेजर का ऊपर ट्रांसफॉर्म बैठा हुआ है। ओके, इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्म का ऊपर स्कैफोल्ड ब्लैंक्स डालते हैं। अगर घर लोकेशन में हम लोग ट्रांसफॉर्म में नहीं डाल सकता है, लेजर में डालना है, वो ट्रांसफॉर्म को नीचे डालना चाहिए, लेजर का पाइप ट्रांसफॉर्म का ऊपर बैठना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ओके, इतना ही ये स्कैफोल्डिंग का रूल है। ये ट्यूब एंड कपलर, ओके, ट्यूब एंड कपलर टाइप का स्कैफोल्डिंग है, इसका इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड बोलता है, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड बोलता है। ओके, कॉम्पोनेंट सब सेम है, ये से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स कुछ नहीं है, लेकिन कपलर में 4-5 वैरायटी रहता है, वो सेपरेट वीडियो में आपको डालेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। ओके, ये भी अगर पूरा आपको देखेगा तो बहुत मुश्किल, ये कचड़ा का तरफ से दिखता है, लेकिन अगर आप शुरू से एक दो बार डाल के आप कोशिश किया तो आपको स्कैफोल्डिंग का बराबर एकदम क्लियर आ जाएगा। ओके, किधर भी इंटरव्यू में जाएगा आपको स्कैफोल्डिंग ड्राइंग डाल के कंपोनेंट्स बनाओ बोलेगा, तो ये एकदम ये से नंबर 1 का ड्राइंग आप बना सकता है। ये प्रोसीजर में हर हर स्टेप बाई स्टेप आप जाएगा बना सकता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स।